मेरठ में एक बार फिर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक मां ने अपनी 3 बेटियों का गला रेत डाला और उसके बाद अपने गले पर भी ब्लेड से वार कर दिया। इस घटना में महिला की एक बेटी की मौत हो गई, जबकि बाकी सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के खुशहाल नगर कॉलोनी में एक दंपति रहती है, जिनकी 3 पुत्रियां भी हैं। अचानक महिला ने अपनी 3 पुत्रियों के गले पर कैंची से वार कर दिया, जिसमें से महिला की 3 पुत्रियां गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद महिला ने अपने गले पर भी ब्लेड से वार कर लिया। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ले जाते वक्त रास्ते में महिला की एक एक पुत्री ने दम तोड़ दिया, जबकि बाकी सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। थाना क्षेत्र ब्रह्मपुरी में आयशा वाइफ ऑफ अतीक, जिनकी उम्र 30 साल की है, एक महिला है। आज उन्होंने 3 बजे के आसपास अपनी 3 बेटियों की, इनकी एक की उम्र 6 साल, एक की 4 साल और 2 साल है, गला ब्लेड और चाकू और कैंची से रेता, 3 गंभीर अवस्था में है। एक तीसरी बेटी जो 2 साल की है, उसकी अस्पताल ले जाते समय डेथ हो गई है। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। घर के लोगों से पूछताछ और पति से पूछताछ के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि आयशा मानसिक रूप से बीमार रहती थी, इनका इलाज चल रहा था और इनको दौरे पड़ते थे। तो प्रथम दृष्टया ये लगता है कि अवसाद में आके ये घटना उन्होंने कार्य की है। घर परिवार वालों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी आसमा करीब 20 साल से डिप्रेशन के कारण दिमागी बीमारी से पीड़ित है, उसका इलाज चल रहा है। दौरे पड़ने के फेर में उसने बेसुध होकर इस घटना को अंजाम दिया है। पंजाब केसरी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।